हजार वाली फूड सीरीज का सफर अभी रुका नहीं। कई सारी फूड स्ट्रीट डिस्कवर करने के बाद लियारी फूड स्ट्रीट ने कहा अब मेरी बारी। यूं हजार का बजट लिए लियारी खट्टा मार्केट वाली फूड स्ट्रीट पहुंचे। ये जानने के लिए कि लियारी खट्टा मार्केट फूड स्ट्रीट आज के दौर में हमें हजार रुपए में कितना कुछ खिलाती है। चंद साल पहले लियारी की भयानक तस्वीर जो हमारे माइंड मेमोरी में सेव हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो भयानक तस्वीर डिलीट फ्रॉम ऑल हो चुकी। हजार वाली सीरीज के एपिसोड 20 में आइए आपको यहाँ के माहौल और यहाँ के फूड से वाकिफ करें। यूँ हमेशा की तरह आज भी अपने रिवायती अंदाज में इस वीडियो का आगाज किया। फाइनली दो चार व्लॉग के बाद माजिद को जो है ना हम लोगों ने पकड़ लिया है इस व्लॉग के अंदर। माजिद क्या हाल है? अरे ठीक ठाक, आ गए भाई वापस, आ गए वापस। और तो भाई आपको जैसे कि पता है हम लोग लियारी में पहुंच चुके। व्यूअर्स में आपको ये बताऊं कि लियारी में जो है ना लोकल फूड का ज्यादा रुझान है तो बात और भाई ये तो है। और हर एरिया की एक अपनी वाइब्स है, एक अपना माहौल है, अपने उसूल है, अपना फूड है, अपना तौर तरीका है, अपना ही माहौल है। जिस तरह मैंने आपको बोला जिस फूड का ज्यादा रुझान होगा भाई हम आपको वो दिखाएंगे। अपनी तरफ से अलग से हम लोग कुछ भी नहीं ला सकते। तो भाई इस हिसाब से सबसे पहले हम लोग लियारी में शुरू करने वाले हैं। भाई यहाँ पे एक चाचा कलेजी वाले जिनका असल नाम तो है चाचा अमीर अली, लेकिन उनका फेमस है चाचा कलेजी वाले। उसकी खास बात पता ही क्या है? उनका कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, वो रोड के किनारे रोड पे ही नीचे उन्होंने सेटअप लगाया हुआ है। वहीं पर ही जो है ना उन्होंने चादर बिछाई हुई, चादर के ऊपर बैठे हैं वो, और जो है ना वहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है, छोटी छोटी टेबलें हैं वहाँ पे, लोग बैठ के खाते हैं, कोई रेस्टोरेंट वाला चक्कर नहीं है। यहाँ की एक अलग ही वाइब, एक अलग ही मजा है, तो जरा ये एक्सपीरियंस भी ले लें। इस वक्त भी देखा जाए ना तो बड़े लोग मौजूद है इधर खाने वाले, और ये है कि इनके पास सिर्फ कलेजी नहीं है, इनके पास आपको सीख कबाब भी मिल जाएंगे, चिकन बोटियाँ भी, कलेजी भी, तिल्ली भी, उसके अलावा दिल बोटी भी, उसके बाद खीरी भी, उसके अलावा चिकन की बोटी, बहुत कुछ है भाई। जो आपको पसंद है आप वो खाएं, इधर हर चीज मिलेगी आपकी पसंद के मुताबिक। भाई सही, बहुत खुश हो गया ये सारी चीजें देख के। ये दिल गुर्दे इसको बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ज्यादा दिल वाले बंदे ना हम तो भाई, हमें दिल गुर्दे तो अच्छे लगते ही है। आपको कौन से कबाबों को दिया हुआ है काम? अच्छा आप बीफ कबाब लगा रहे हैं। अभी जरा इन भाई से पूछते हैं कि ये क्या लगा रहे हैं भाई सीखों में? क्या नाम आपका? इब्राहिम भाई, क्या लगा रहे सीखों में आप? अच्छा खीरी भी लगाते हैं, दिल भी लगाते हैं। किधर किधर लगाया दिल आपने? हर जगह भी दिल लगाया। अब आके आपने सीखों में लगाना शुरू किया, पहले कहीं और लगाया? आज सही पोज बनाना भाई का। जाम्बो सीधी जाम्बो लियारी में बैठे सीधी जाम्बो वाली वाइब्स तो आएंगी आपको। बाबा ये बताए कितने टाइम से सेटअप लगा हुआ है आपका? मैं 50 साल से लगा रहा हूँ। माशाल्लाह 50 साल से। जी हाँ। और कितना गोश्त डेली का निकल जाता है? 50 किलो निकलता है। 50 किलो डेली का, सारी जो है सीख बोटियां मिला के, बोटी कलेजी कबाब दिल कलेजी सब सब मिला के। अच्छा और दूसरी बात ये कि ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? ज्यादा बोटी कबाब चिकन ज्यादा खाते हैं। अच्छा अच्छा, और इसकी टाइमिंग क्या है कि कब से लगा? मैं रात को 12 बजे खत्म, मगरब के टाइम पे लगाता हूँ मैं, 12 बजे खत्म हो। मगरब से रात 12 बजे तक? जी। प्लेट बन के आ चुकी है। प्लेट में कड़ा कड़ा कबाब खड़िया है, अबूदा है, आबूदिया कबाब ये कलेजी। और यहाँ पे इन बोटियों के साथ जो है ज्यादा रुझान होता है, बन के साथ भी खाई जाती है और चपाती के साथ भी खाई जाती है। उसके अलावा हमारे पास आ चुके हैं भाई इनकी चटनियाँ, जिसके अंदर एक ग्रीन रायता है वो है, टमाटर की चटनी है और एक खटाई है, उसके साथ जो है ना सलाद वगैरह भी दे रहे हैं जिसके अंदर प्याज है और खीरे। ये आ गया बन, ये ऊपर से जरा कड़क है, ऊपर की जो लेयर है ना इसकी ये कड़क है, ये अंदर से है थोड़ा सॉफ्ट। भाई खा के देखते हैं क्या टेस्ट है। सबसे पहले आए कबाब से लेते हैं, ये है बीफ कबाब, बड़ा ही रसीला, बहुत ही ये देखें, ओए होए बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं है लेकिन जूसी बहुत है, क्या टेस्ट है। ये भी खाते हैं, जो बन है ना ऊपर से काफ़ी हार्ड है तो ये आपको जो है ना चटनियों का सहारा लेना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इन रायते चटनियों के अलावा खा के देखते हैं, क्योंकि अभी जो है ना सारी जगह इन्होंने ही ले ली, तो अभी ऐसे रुका खा के देखते हैं भाई जवाब से क्या टेस्ट है। वो छोटी दुकान ऊंचे पकवान। असल में क्या होता है कि इस तरह का छोटा सेटअप जब हम लोग देखते हैं ना तो हमारे जहन में ऐसा आता है कि यार कबाब में क्या होगा,
साबित धनिया ही ज्यादा डाली हुई होगी, प्याज ही ज्यादा डाले हुए होंगे, मीट की क्वांटिटी तो कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है यार। इसके अंदर मीट की क्वांटिटी भी अपने हिसाब से बिल्कुल बराबर है और थोड़ा सा चुई सापन है इसके अंदर, जो कि आपको कबाब के अंदर मजा दे रहा है। बीफ कबाब तो हो गया, अभी बीफ रोटी की बारी। ये देखें, टेंडरनेस की बात करें तो थोड़ा सा हाँ थोड़ी सी कसर रह गई है इसके अंदर। दूसरी बोटी चेक करते हैं। हाँ ये देखें, ये बेहतर गल गई है चटनियों के साथ डिप करके। कबाब के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा चटपटी है, तीखी है, लेकिन मजा दे रही है खाने के अंदर। अच्छा है ना, उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट, इसका डिफरेंट थोड़ा होना चाहिए। अगर सभी एक ही जैसे होंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। अभी भारी आती है भाई चिकन की, इसका टेंडरनेस बिल्कुल बराबर है। भाई सस्ते में अगर आपको एक अच्छे रेस्टोरेंट वाला टेस्ट मिल जाए तो और क्या चाहिए, बेहतरीन लाजवाब यार। अभी आती है भाई कलेजी की बारी, और ये बीफ की कलेजी है, सही है। और एक होता है बहुत ज़्यादा गला हुआ, और वैसे भी जो है ना बीफ की कलेजी इतनी ज़्यादा भी गली भी नहीं होती, वो चिकन की होती है, बहुत ज़्यादा ही गली भी होती है। दम है भाई, दम है। इस सेटअप का खैर कोई नाम तो नहीं है, भाई चाचा कलेजी वाले के नाम से जानते हैं यहाँ पे लियारी में ना खड्डा मार्केट, और एमिरेट्स होटल है उसके बिल्कुल साथ में। अच्छा तो भाई इसके कितने हो गए हमारे टोटल पैसे? ये पैसे टोटल हमारे हो गए 350 रुपए। 350 रुपए पीछे रह गए हमारे पास 650 रुपए। जो चिकन सीख बोटी थी ना, चिकन बोटी, वो थी 100 रुपए की, बाकी तीनों थी 70-70 रुपए की, और 2 चपातियां और एक हम लोगों ने बन खाया, तो इस हिसाब से टोटल हमारे 350 रुपए बन गए। 650 रुपए में क्या उम्मीदें हैं तुम्हें? बहुत सारी उम्मीदें हैं भाई। अभी तो ये छोटा ब्लॉगर आ गया हमारे साथ, ब्लॉगर आ गया, और जो बकाया जो हमसे नहीं खाया जाता था ना, वो ये खाएगा। अब वो ये खाएगा। अली सर खाओगे ना? फिर खाओगे ना, फिर दम में भी बोलना है। हाँ, इसहाक बन कबाब के जायके की कोई ऐसी लत लगी हुई है, उसका ऐसा कोई टेस्ट है कि भाई जिस भी एरिया में हो ना तो दिल करता है कि भाई खाया जाए लाजमी। नहीं, इसहाक का टेस्ट ही ऐसा है यार, बंदा उसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो भाई इसहाक जो है ना खारादर में भी है, इससे इसके अलावा इसहाक पाकिस्तान चौक के भी है सदर में, यहाँ पर भी है, तो दिल ये किया कि भाई यहाँ वाले साग को भी ट्राई किया जाए। आज हमने तीनों जगहों पे खाया, ये तीसरी जगह खाया, दो जगह खा चुके हैं। तो मैंने यही सोचा कि भाई दो जगह पे जब खाया हुआ है तो क्यों ना यहाँ पे भी खाया जाए। तो जनाब आओ लियारी वाले साग बन कबाब आपको टेस्ट मार के देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया साग बन कबाब पे। किस टाइम रश होता है यहाँ पे? रश होते हैं 10 बजे। 10 बजे हम थोड़ा लेट हो गए, उसके बावजूद इतने ज्यादा ऑर्डर लगे हुए, ये कहाँ जा रहे हैं फिर? ये तो पिछली जाते हैं ना। कहाँ जाते हैं? फिशरी। अच्छा, फिशरी से ऑर्डर आते हैं आपके पास? अच्छा, ये जो इसहाक बन कबाब है लियारी वाला, ये ब्रांच उन्हीं की है जिनकी खारादर में भी है और उधर पाकिस्तान चौक में है, ये अलग है? नहीं नहीं, उसी का है। उसी का ही ब्रांच है ये? सबसे पहले पुराना वाला ब्रांच, 40 साल हुआ इस ब्रांच का। अच्छा, सबसे पहला ब्रांच है, उसके बाद वो है? उसके बाद खारादर वाला है। अच्छा, भाई मतलब सबसे पुराना लियारी वाला है ये जो है? ये 40 साल पुराने। जी सर, 60 रुपए का बर्गर बेचता था। अच्छा, 40 साल पुरानी, कितने रुपए का मिलता था तब? 150 रुपए का। ओए, तब 150 रुपए का बन कबाब मिला करता था, और अब कितने का मिल रहा है? अब 60 रुपए का। अब 60 रुपए का मिल रहा है भाई, 58.5 रुपए बढ़ गए इन 40 सालों के अंदर। बात तो सही है भाई, दुकान सी बनी हुई है पतली सी, उसके अंदर हम लोग बैठ गए। रश तो खैर एकदम ही बढ़ गया, थोड़ी देर पहले तो नहीं था, लेकिन भाई साग बन कबाब पे ना टाइम आएगी कोई जो है ना लिमिट नहीं है, किसी भी टाइम भी लोग आ जाते हैं। ये आगे पहले बन ऊपर से जरा जो है ना सेका लगाया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा क्रंची हो गया। और ये कबाब, ये कबाब हैं वैसे सिर्फ और सिर्फ दाल के, और ये साथ में जो है ना चटनी और ये प्याज, और ये चटनी भी कह रहे हैं ये दाल की बनी हुई। ये आगे भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें, अभी आप इनका कबाब देखेंगे, आपको दाल का कम और बीफ का ज़्यादा लग रहा है। ये देखें, चटनी के साथ लाजमी, क्योंकि ये चटनी जो है ना, इसके बगैर ये शायद बन कबाब अधूरा है, और लाजमी आपको थोड़ा सा प्याज देना। वैसे तो रात में जो है ना प्याज खाना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप साथ दिया हुआ है तो टेस्ट को कंप्लीट करें ना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई जाक का बन कबाब आप चाहे सदर पाकिस्तान चौक पे खाएं, या चाहे खारादर पे खाएं, या चाहे लियारी पे खाएं, आपको टेस्ट बिल्कुल एक ही जैसा मिलेगा और जबरदस्त मिलेगा। दम है भाई, दम है। अच्छा, इनके कबाब में ना आपको थोड़ी सी जो ना गर्म मसाले की महक आएगी, लौंग की और दालचीनी की, इन दो की महक जो है ना आपको ठीक ठाक आएगी। बाकी यार इनके कबाब जो है ना है दाल का, लेकिन यार बीफ के टक्कर का लग रहा होता है, यकीन मानो क्या टेस्ट है। 6 बन थे हमारे और 2 कबाब थे, टोटल कितने रुपए ले गए? ये हो गए हमारे 140 रुपए। वरना अगर 2 बन हो
और एक कबाब हो तो वो था 60 का, लेकिन ये थे 3 बंद तो ये 70 रुपए का एक था। रात का टाइम है और ठंड बढ़ती जा रही है, इसी वजह से हम लोग भी अपने ठंड के औजार मौजार निकाल लेते हैं। भाई जाहिर बात है ठंड बढ़ गई है तो कुछ खाना भी ऐसा चाहिए जो ठंड को मार सके, तो क्यों ना यार सूप पिया जाए। आ जाओ अभी यहाँ पे सूप पीते हैं। और इस सूप की खास बात ये कि एक ठेला आगे लगा हुआ है, वहां से आप सूप का प्याला बनवाएं जबरदस्त सा। पीछे एक स्टॉल पे जो है ना उन्होंने सॉसेज वगैरह रखे हुए हैं, नमक मसाले, यहाँ से प्याला बनवाएं और वहां पे जाके ना अपनी मर्जी से सॉसेज डालें, नमक डालें, मसाला डालें, जितना आपको अच्छा लगे। और उस स्टॉल पे कोई खड़ा भी नहीं है कि आपको कोई बोले यार इतना क्यों डाल रहे हो, उतना डालो, कम डालो, ज्यादा डालो, अपनी मर्जी से डालो, अपनी पसंद का सूप का प्याला बनाओ और खाओ। अच्छा आपके पास सूप भी रखा है, यखनी भी रखी है, यहाँ पे क्या ज्यादा पिया जा रहा है, कौन सूप ज्यादा पिया जा रहा है? और यहाँ और दूसरी बात, ये मसाला जात वहाँ पे रखे हुए, इसकी क्या वजह है? हाँ आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि पूछो फिर कैसा डालना है, जाओ अपनी मर्जी से वहाँ जाओ। अच्छा अच्छा, और सूप में कोई खासियत मासियत कुछ क्या डाल? तीस बत्तीस साल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। चले फिर हमें भी एक प्याला बना के दें ताकि पिएंगे। अब ये कौन सूप पिएंगे? यकीन सूप पिएंगे सूप। आ जाओ जनाब, ये अंडे वाले सूप का प्याला बन गया, बकाया सामान डालेंगे हम लोग यहाँ से। भाई ये रेड चिली सॉस आ गया, बड़ा गाढ़ा सा है। अभी आ गया ग्रीन चिली सॉस, तो ज्यादा डल गया ना काम खराब हो जाएगा। ये आ गया भाई आपका सिरका, ये आ गया मसाला, और ये आ गया हसबे जायका नमक। मुझे लग रहा है ज्यादा डाल दिया, इसी चक्कर में कोई देख नहीं रहा, मंड के रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा हिसाब बिल्कुल ही ठीक रहा भाई, बिल्कुल बराबर ही मैंने अशिया इसके अंदर डाली है। और सूप के अंदर वैसे भी जो सारा कमाल होता है ना इन्हीं चीजों का होता है कि आप इनको किस तरह बैलेंस तरीके से आप डाल रहे हैं, कि ना बहुत ज्यादा कम हो ना ही बहुत ज्यादा हो। इसके अंदर ना अगर मकई के दाने भी आ जाते तो और ज्यादा बेस्ट हो जाता। बहरहाल खैर है, ये भी अच्छा है। साथ में ये चाचा अंडे वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये देखें देसी और फार्मी अंडे रखे हुए कच्चे और बॉयल भी हैं। यहीं पे ही लोग जो है ना वो ले रहे हैं और यहीं पे ही कटवा के बैठ के खा रहे हैं। भाई ये देखे क्या सेटअप है। ओए जनाब, तो ये अंडे वाला सूप था हमारा टोटल 90 रुपए का, तो माजी था पीछे कितने हो गए, कितने रह गए? ये हमारे हो गए 580 रुपए। हाँ, अभी बकाया हमारे पास बच गए 420 रुपए। 420 रुपए अभी भी बाकी है हमारे पास, और क्या। तो भाई 420 रुपए में इस लियारी खड्डा मार्केट में पता नहीं क्या कुछ आ जाएगा। तो क्या क्या आता है ये तो अभी आप वीडियो में रहेंगे तो आपको पता लगेगा। अरे सईद भाई, ये सूप पी के तो यार रेडिएटर मेरा हीट मार गया है यार, बड़ा अच्छा। गर्म सूप था ये। इस रेडिएटर को कूल करने के लिए मैं तुम्हें नागौरी का फालूदा पिला देता हूँ, ठीक है? ये तो कूलेंट हो गया, कूलेंट हो जाएगा। और इसका फालूदा भी यहाँ का ये क्या है कि फालूदा डालते हैं, उसके बाद इनके पास फ्लेवर एक शरबत होता है वो डाल के देते हैं, उसके बाद ये खोया डालते हैं, फिर पिस्ता फ्लेवर आइसक्रीम होती है इनके पास। तो भाई बड़ा हैवी सा इधर सीन है, और ये सब कुल मिला के चीज़ें क्या इस फालूदे का टेस्ट आता है ये तो फिर खा के चेक करते हैं। भाई हम तो लियारी आए ब्लॉग के चक्कर में, और कहाँ ये इतनी दूर से आए यहाँ पे ये फालूदा खाने। भाई कहाँ से आए ये? मेरे एरिया के करीब थे। हम बैंस कॉलोनी से आए। बैंस कॉलोनी से आए आप भी? जी बैंस कॉलोनी। आप भी? मतलब वही हुआ आस पास। आप भी मीरपुर खास के हैं? ये काफी दूर से आए हैं, खास तौर पर लेकर आए, खास तौर पे लेकर आए, मेरे इलाके के करीब करीब के ही हैं, और ये इतनी दूर आए सिर्फ ये फालूदा खाने। इससे पहले कभी खाया?
लोग मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। फिर ये साथ में आ गया, ये नींबू निचोड़ना लाजमी है न्यारी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बोटी उठाते हैं। आए हाय, ये तो भाई उठाते ही टूट रही है, गलावट की तो कोई शिकायत ही नहीं है। ग्रेवी से डिप करके, और ग्रेवी भी ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है जितनी अमूमन होती है, लेकिन इसका अपना ही टेस्ट होगा, वो खा के देखते हैं कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से जो घी का तड़का मार के दिया ना, उसने इस निहारी को जबरदस्त बनाया भाई। इंडिया का खाना दुनिया के एडम मलक सही डीएसपी नफरी तक का खाना पका के आया मैं हेडक्वार्टर में। अच्छा हाँ, जब ये नामी गरामी बबरची है आप, तो ना माजकोट, मैंने बोला बस मैं अब वहाँ नहीं काम करूँगा माजकोट में। जब तक हेडक्वार्टर में तक गया मलक सही से रहता था वहाँ सिविल लाइन खाने में, और 78 नंबर बंगले में काम भी कर गया बंगले में, क्या बात है, जवानी आपने ठीक ठाक गुजारी है, पर घाट घाट का पानी पिया है आपने, क्या बात है। अच्छा निहारी की मैं आपको बात बताऊं, अक्सर निहारियां ऐसी होती है हम लोग जो खाते हैं बाकी जगहों से, वो इतनी तीखी होती है मिर्चीली, अगर आप उसको हरी मिर्च के अलावा भी खाओ ना तो आपके पसीने छूट रहे होते हैं, और बहुत ज्यादा ही तीखी होती है मसाले वाली, लेकिन ये ऐसी तीखी नहीं है, टेंडरनेस बिल्कुल ओके है, शोरबा बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बराबर है, और मसाले बिल्कुल ही नॉर्मल है भाई, 80-20 यानी के फुल 100, छोटा बच्चा भी खा ले और जो तीखा पसंद करने वाला मसाले वाला वो भी खा लेगा। इस निहारी की ये खास बात है, और इससे बेहतर खास बात तो ये है इसका रेट, क्योंकि कराची में जो है ना इससे सस्ती निहारी मैं नहीं समझता आपको मिलेगी। इसके अंदर मसाले इतने हैं कि आपको हरी मिर्च डालने की गुंजाइश बचती है, अगर आप चाहो थोड़ा सा मसालेदार करके खाना तो आप निवाले के अंदर हरी मिर्च डाल के भी खा सकते हो, तो फिर इसके मसाले बराबर हो जाएंगे। निहारी और दो नैन हमारे कितने रुपए ले गए माजिद? यार ये ले गए तकरीबन 250। 250 रुपए? 200 रुपए की निहारी देख लो, 50 रुपए के नान देख लो, 200 रुपए की निहारी अभी भी कराची में मिल रही है मेरे भाई, अभी भी 50 रुपया रह गया मेरे भाई, अभी भी 50 रुपया रह गया यार। केले कैसे दे रहे केले भाई? 100 वाले है ना, वो आधा दर्जन हम लोग लेंगे तो 50 हो गया ना भाई। तो व्यूअर्स, इन मीठे केलों के साथ हमारा मीठा व्लॉग एंड होने जा रहा है। लियारी में हम लोगों ने ये जो भी चीज़ें खाई आप लोगों ने देखी, उसमें से क्या चीज़ आपको पैसों के हिसाब से ठीक लगी, या जितनी हम लोगों ने चीज़ें खाई ये आपको 1000 रुपये में ठीक लगी नहीं लगी, ये सारी पलटून आ गई है व्लॉग के अंदर। लियारी गैंग, लियारी गैंग आ गया, लियारी गैंग, लियारी के सपोर्टर आ गए भाई व्लॉग के आखिर में, क्या बात है। चपाती वाले का बन गया, अब तुम्हारा ही बनना है बस। हाँ ची और है ची ची, जब तक वो डिसाइड कर ले हम लोग केला एंजॉय करते मीठा। हाँ हाँ खाना केला। तो जनाब ये है लियारी के सपाटर, तो मैं ये कह रहा था कि भाई यहाँ पे जो हम लोगों ने चीजें खाई ये ठीक थी, कम थी, ज्यादा थी, या किस तरह की थी, और आपको इन चीज में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और अगली फूड स्ट्रीट कौन सी हमारी होनी चाहिए, ये भी आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि इस व्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करने जा रहे हैं। आपके साथ जरूर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।